हेलो गाइस, मैं हूं अमित और भाई आज की जो वीडियो है वो बहुत ही ज्यादा स्पेशल होने वाली है और मुझे उम्मीद है कि आपने ये जो चीज है कहीं भी नहीं देखी होगी। गाइस आज हम लेकर के आ चुके हैं आप लोगों को दिखाने के लिए दिवाली स्टैश, पटाखों का नहीं गाइस बल्कि डेकोरेटिव आइटम्स यानी कि सजावट की चीजों का जो कि है गाइस यहाँ पर आप लोगों के सामने। ये जो सारी चीजें गाइस ये हमने पता नहीं कैसे कर करके गाइस गिर पड़ के जो है पूरे दिन खून पसीना बहा करके ढूंढी है इतनी सारी चीजें और तब जा करके हम ये सारी चीजें जो है लेकर के आ गए हैं। अगर इस पूरी सारी चीजों की कीमत की बात करी जाए तो गाइस ये जो है 50,000 से भी ज्यादा है और अगर इनको बेचा जाए तो ये जो है हो सकता है 1,00,000 रुपए तक के भी बिक जाए क्योंकि हम लोगों को इतनी सारी चीजें लेने की वजह से ये थोड़ा सा बजट में मिल गई कंपैरेटिवली, लेकिन फिर भी इतनी सारी चीजें हैं तो काफी पैसा खर्च हो ही गया गाइस। आज आपको दिखाने वाले हैं कि कितनी तरीके की डेकोरेटिव आइटम जो है आते हैं हमारे पास में। आप बिजली की लड़ियां हैं हमारे पास में, अलग अलग तरीके के दिए हैं, बहुत ही मस्त दिए हैं। कुछ तो आपने सोचा नहीं होगा कि ये ऐसे काम करते हैं। इसके अलावा कुछ ऐसी चीजें भी है जो कि मैंने पहली बार देखी है और मैं हिल गया उनको देख के। जैसे गाइस ये वाला बॉक्स आपको दिखाएंगे इसके अंदर का राज, वीडियो में बने रहिएगा गाइस, मजा बहुत ज्यादा आने वाला है। और सब लोग वीडियो के लिए लाइक का बटन जरूर दबा देना और गाइस सब लोग नीचे कमेंट्स में हैप्पी दिवाली लिख देना गाइस। मेरी और हमारी पूरी टीम की तरफ से भी आप सभी को हैप्पी दिवाली। फटाफट से शुरू करते हैं। दोस्तों हमारे पास में लगभग 100 आइटम्स यहाँ पर जो है रखे हुए हैं अलग अलग तरीके के, और बिजली से चलने वाले हैं, मोम से चलने वाले हैं, अलग अलग तरीके से चलने वाले हैं। तो गाइस शुरुआत करते हैं सबसे बेसिक चीज के साथ में जो कि है सबसे पीछे। मैं इधर ही आ जाता हूँ भाई और आपको सारी चीजें दिखाऊंगा। यहाँ पे देखो ये है वो वाली लड़ियां जो कि सबसे बेसिक होती हैं और ये जो है आपको मार्केट में मिल जाएंगे, अलग अलग फंक्शन करती हैं। यहाँ पर एक डब्बी होती है, इनकी क्वालिटी ठीक ठाक होती है। देखो अभी ये जो है रुक गई है, अभी ऐसे कर रही है, अभी फिर रुक गई है। कुछ अलग अलग 7-8 इसके अंदर फंक्शंस होते हैं, इसके ऊपर लिखा भी होता है। देखो यहाँ पर जो है 8 फंक्शन इसके अंदर है जो इस पर लिखा हुआ भी है, अलग अलग तरीके से जलती है। ऐसी हमारे पास में जो है 40 लड़ियाँ हैं। ये है मोम वाले दिए एक्चुअली में, जिनमें बत्ती भी है। आप लोग देख सकते हैं इन सभी के अंदर बत्ती और मोम भरा हुआ है। क्या शानदार यहाँ पर दीपक है और इनके अंदर जो है मोम है यानी कि वैक्स है, जैसे जेली होती है ना वैसा लग रहा है ये। और गाइस ये सारे चीज़ें हमारे काम आएंगी हमारे ऑफिस को डेकोरेट करने में। तो इनको रखते हैं, ये अलग तरीके के मोम के लिए आपको दिख ही रहा होगा क्या चीज़ है, बढ़िया पैटर्न बना हुआ है। ये जो है बिजली से चलने वाली लड़ी है, हर बल्ब के ऊपर ऐसा एक जो है पौधा सा रखा हुआ है पॉट के अंदर प्लास्टिक का। एक काम करते हैं इसको बिजली में लगा के देखते हैं जो जो घड़े यहाँ पर ठीक है। ये मैंने लगाया गाइस इसको पावर में और यहाँ पर जो है क्या शानदार तरीके से हर एक जो ऐसा जो घड़ा है वो जल रहा है भाई। और देखो सारे कितने मस्त लग रहे हैं, लेकिन इनको लगाना पड़ेगा, ये निकल चुके हैं। यहाँ पर हमारे पास में 3 अलग अलग तरीके के गाइस ये बंधनवार हैं जो कि मैं आपको दिखाता हूँ। ये सारे जो है ग्लास के हैं और देखो गाइस क्या शानदार लग रहा है, मेटल और ग्लास का कॉम्बिनेशन है। एक ग्लास की जैसी शेप में है, ये जो है थोड़ा घंटे की शेप में है और ये वाला जो है ये थोड़ा अलग तरीके की घंटे की शेप में है। अब गाइस बिजली वाली चीज़ है तो थोड़ा ध्यान से मुझे यहाँ पर करना पड़ेगा, बट आप लोग यहाँ पर देख सकते हो। तो गाइस यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये जो है किस तरीके का दिख रहा है और दरवाजे के ऊपर लटका हुआ ये जो शानदार लगने वाला है। इसमें ग्लासेस है एक्चुअली में कांच है तो वो जो है इसको एक बढ़िया लुक दे रहे हैं। और सारे के सारे जो तीनों हैं ये ऐसे ही जलने वाले हैं। यहाँ पर हमारे पास में और दिए हैं 1, 2, 3, 4 तरीके के। देखो कितने शानदार इनके जो है डिजाइन है गाइस, और ये सारे जो इन पे आग लगानी पड़ेगी तब ये जलेंगे। इनकी बत्ती हर एक में, इनके अंदर भी बत्तियां हैं। ये जो नए डिजाइन है देखो, ये गुलाब के फूल का डिजाइन है यहाँ पर, ये जो है सूरजमुखी के फूल का डिजाइन है 3 अलग अलग कलर्स में, और ये जो है भाई ये मिट्टी का कोई बर्तन है उसके डिजाइन में जो है दिया है और बीच में मोम भरा हुआ है व्हाइट कलर का। कॉम्बिनेशन जो है वो यहाँ पर ये तगड़ा लग रहा है। देखो अब गाइस एक दिया जो है वो तो जला करके देख ही लेते हैं यहाँ पे कि आखिर ये दिखता ही अच्छा है या फिर जलता भी अच्छा है। तो गाइस ये जल गया दिया और देखो कितना प्यारा लग रहा है भाई, कितना प्यारा लग रहा है यार। अरे वाह, इसको यहीं रख देते हैं, जलने देते हैं, क्या बात है, देखो क्या शानदार लग रहा है। ये जो है भाई 3 फूल की शेप में दिया है, बीच में बत्ती है। ये जो है काफ़ी बड़े साइज का पॉट जैसा दिया है ब्लू कलर का, इसमें रेड कलर का वैक्स है, लाल कलर का इसके अंदर मोम है और इसमें बत्ती है। एक दिया निकाल के आपको दिखाते हैं। देखो इसके अंदर एक दूसरा दिया जो है वो रखा हुआ है बेसिकली,
और ये जो है कुछ ऐसा है, लेकिन पूरा जब ये बनता है तो बहुत शानदार लग रहा है। इसको भी जला देते हैं यहाँ इसके बगल में। तो लग रहा है ना गाइस, लाइक बनता है इसके लिए यार। यहाँ पर है भाई जुगाड़, इधर आ जाओ मैं दिखाता हूँ आपको गाइस। इसके अंदर जो जुगाड़ है उतनी ज्यादा फैल गया। ये जो दिए गाइस, ये सारे ऐसे ऐसे दिए हैं जिनके अंदर एक एक स्विच है और इनको जो है ऐसे करके ऑन करना पड़ता है, और अलग अलग कलर के जो दीपक है वो यहाँ पर भाई साहब जल जाएंगे। आप लोग देख ही सकते हो कितने मस्त लग रहे हैं सारे के सारे, क्या बात है। और इन सबके अंदर पता है गाइस, सेल बैटरी वैटरी सब कुछ डला हुआ ही आता है। हमने किसी के अंदर सेल नहीं डाला, अभी आपके सामने पन्नी में से निकाला। और इसमें ना तो आग लगानी है ना इसको मोमबत्ती से जलाना है, बस सिंपल बटन ऑन करो और सारे के सारे से जल जाएंगे। भाई मज़ा आ रहा है इनको देखने में, मेरा तो और कुछ करने का मन नहीं कर रहा। क्या बात है, क्या बात है, पूरा ही जलता है। और ये दिए भी नहीं है, मोमबत्ती और दिए दोनों का कॉम्बिनेशन सा है, मिक्सचर है। क्या बात है, अलग अलग कलर में भाई। इसके लिए भी जो है लाइक का बटन दबाना जरूर से बनता है। हम चलते हैं अगली चीज पे। ये दिए मैंने आपको दिखा दिए, ये है एक बड़े साइज की मोमबत्ती, इसका साइज देखो एक बार। एक और है हमारे पास में, और इसका शेप देखो एक बार, क्या मस्त इसका शेप है। इस कैंडल की शेप देखो और इसका साइज देखो भाई, मस्त है ना। दोनों बड़ी बड़ी कैंडल्स यहाँ पर रखते हैं। ये और मोम वाले दिए हैं, ये भी गाइस ट्रांसपेरेंट और कलरफुल मोम के दिए हैं। ये लड़ी है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 हमारे पास में अलग अलग पैटर्न्स की यहाँ पर लड़ियाँ हैं। ये जो लड़ी है गाइस, ये आपको मिलेगी मार्केट में लगभग 400 रुपये के आसपास में, 350-400 रुपये में मिलती है। बाकी नीचे कमेंट्स में भी बताना कि ये जो लड़ी आपके उधर कितने रुपये में मिलती है। जला करके दिखा देता हूँ आपको एक बार, पावर दो भाई थोड़ा सा, ये गई। और गाइस ये देखो क्या बात है, इसमें अगर आप ध्यान से देखोगे तो भाई ग्रीन कलर के ये स्टार्स हैं, लेकिन इसमें मुझे अच्छी बात नहीं लगी कि ये जो है ना फंक्शन नहीं करती, सिर्फ ये ग्रीन कलर की जलती है, कोई फंक्शन नहीं कर रही है। कोई दूसरी लड़ी देखते हैं जो कि हो सकता है फंक्शन करे। ये गाइस ये भी जो है लग तो शानदार रही है, ये फैल जाएगी एक्चुअली में, ये ऐसे नहीं रहेगी, इसको जब लंबी कर देंगे तो ये फैल जाएगी और इसको हम कहीं भी टांग सकते हैं। ये है भाई स्टार वाली लड़ी, और इसको देखो क्या मस्त, और इसकी आवाज़ भी मस्त आती है। कलरफुल स्टार फिश है यहाँ पे बहुत सारी। यहाँ पर ये एक और अलग दिए की शेप की लड़ी है, इसमें दिए हैं बहुत सारे और हर दिए के ऊपर एक लाइट लगी हुई है। यहाँ पर बॉल्स वाली लड़ी है हमारे पास में, मस्त लग रही है ना। अब आपको दिखाते हैं ये स्पेशल वाली, ये है स्टार वाली। इसमें स्टार पैटर्न आपको यहाँ पे मिलेगा और यहाँ पर आपको और स्टार्स भी मिलेंगे और बहुत बड़े साइज की लड़ी मिलेगी। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो गाइज ये स्वास्तिक की शेप में है और इसके अंदर लाइट्स भी हैं, और यहाँ पर छोटे साइज के स्वास्तिक्स हैं। और अगर इसको पावर में लगाते हैं तो देखते हैं कि कैसा जलता है। पावर देना भाई, जो स्वास्तिक हैं वो किस हिसाब से किस तरीके से लाइट अप हो रहे हैं। तो गाइज ये है स्वास्तिक वाली लड़ी जो कि थोड़ी सी उलझ चुकी है, इसको थोड़ी सुलझानी पड़ेगी। अब गाइज लड़ियाँ बहुत हो चुकी है, ये जो है स्टार शेप में है ऐसी ही में है, ये जो है हार्ट शेप के अंदर है उसी चीज के अंदर। क्या बात है, कितने सारे पैटर्न्स हमारे पास में, ये स्टार में है ही। ये है गाइज और अलग तरीके के दिए जो कि आते हैं ऐसे पैकेट के अंदर, और आप लोग देख सकते हो कि इस पैकेजिंग के अंदर गाइज इनको हटाने के लिए जोर से खींचना पड़ता है तब ये जाके हटते हैं। यार ये जो है सबसे हैवी और सबसे ज़्यादा क्वालिटी वाला मुझे दिया लगा है एक्चुअली में ही, और बहुत ज़्यादा वेट भी इसके अंदर है। ये हमारे पास में गाइस दो कैंडल स्टैंड है अलग अलग तरीके के, ये बग्गी में है और ये वाला जो है तोप जैसा है, और इसके अंदर मोमबत्ती रखी हुई है तोप के ऊपर, ये देखो। और यहाँ पर ये जलती भी है, और इसको जला के चेक भी कर ही लेते हैं एक बार। तोप वाली जो कैंडल स्टैंड है उसको हमने जला दिया, गिलास के अंदर कैंडल बनी हुई है, मस्त लग रही है। और ये वाली जो है ये बेसिकली एक बग्गी में या फिर रिक्शा के अंदर बनी हुई है ऐसे ही। दोस्तों अब हम आपको स्पेशल वाले दिए दिखाने वाले अलग अलग तरीके के, जो कि आपने आई होप नहीं देखे होंगे गाइज। यहाँ पर है स्मोकलेस कैंडल्स, और इसके अंदर आपको मिलेंगे बहुत सारे ऐसे दिए। और इन दियों की खास बात ये है कि जब इनको हम पानी में डालते हैं, यहाँ पर तो देखना गाइज क्या होता है, ये मैंने डाला पानी में, और पानी में डालते दिया जल जाता है गाइज। देखो क्या मस्त यहाँ पर जो है भाई साहब ये लग रहा है, पानी में डालते ही जल जाता है। देखो अभी कुछ नहीं हो रहा, जैसे ही पानी में टच होगा ये हुआ और जल गया। ये देखो गाइज, अरे यार यार ऐसी ऐसी चीजें आने लगी आजकल यार, क्या बात है। यहाँ पर हमारे पास में दूसरा दिया, और ये भी गाइज
ये देखो एक बार इसकी शेप देखो पहले तो, क्या मस्त लग रही है। और इसको भी जब हम पानी में डालेंगे तो गाइज ये भी यहाँ पर जल गया। अलग अलग कलर्स हमारे पास में, रेड है, यहाँ पर व्हाइट है, ये मैंने डाला और ये भी जल गया। क्या बात है यार, कितना मस्त लग रहा है ये वाला दिया भी। और अगर इनको बुझाना है तो सिंपली पानी में से निकाल लो तो ये जो है जलना बंद हो जाएगा। ये मैंने निकाला, जलना बंद हो जाएगा। ये जो हैप्पी दिवाली वाला दिया है, सबसे अच्छी बात तो ये कि इन सारों के किसी में कोई धुआं नहीं निकलती है। मोम वालों को छोड़े, मोम में भी धुआं निकलती है, क्लीन सही होता है, लेकिन इनमें तो कुछ निकलता ही नहीं है क्योंकि बिजली से चलते हैं। लेकिन गाइज ये वाले दिए जो है ये और भी ज़्यादा खास हैं। ये दिखते हैं नॉर्मल दिए की तरह, लेकिन इनको जब पानी में डालते हैं तो भाई कुछ होता नहीं है। यहाँ पर जब मैंने इसको पानी में डाला तो कुछ होता नहीं है। इसमें तब होता है गाइज जब इस दिए के अंदर हम तेल की जगह पानी डालते हैं और गाइज जो दिया है वो जल जाता है कुछ इस तरीके से। मस्त लग रहा है ना गाइज। जलाने के लिए सिंपली दिया लो और दिए के अंदर डालो पानी और देखना, ये मैंने डाला पानी और ये जल गया। ये देखो गाइज मस्त चीज़ है ना, सभी को जला देते हैं। यहाँ पर दो और हैं हमारे पास, ये जल गया, ये जल गया। और इसका पानी पता है कभी ख़त्म भी नहीं होगा, बैटरी ख़त्म हो जाएगी, पानी ख़त्म नहीं होगा। यहाँ पर है और अलग तरीके की लड़ी भाई, इतनी सारी चीज़ें क्या बताएं यार, इतनी सारी चीज़ें। ये स्टार शेप के अंदर है, ये जो है बल्ब शेप के अंदर है। ये दो हमारे पास में और लाइट्स हैं भाई जो कि बैटरी ऑपरेटेड है, नीचे इनमें स्विच है और इसके अंदर एक ये है। और जैसे इसको खींचते हैं तो गाइस कितनी शानदार ये जो है मोमबत्ती जैसे जल रही है। यहाँ पर हमारे पास में दूसरा इसका कलर भी है, वाइट है क्या ये, चेक कर लेते हैं भाई। ये वाला ब्लू है, ये वाला वाइट है। सारी चीज़ें आजकल भाई ऐसी आने लग गई है मज़ेदार वाली। एक हमारे पास में स्टैंड और था, कहाँ गया ये रहा। ये जो है जैसा हमने अभी पहले आपको स्टैंड दिखाया था, ये जो है प्रॉपर साइकिल के अंदर है। ये जो है रिक्शा के अंदर एक कैंडल स्टैंड है। और अगर इसको इधर रख दूँ इसको तो आपको ये और अच्छे से दिखेगा गाइस। फिलहाल यहाँ पर है गाइस एक और लालटेन, और फिलहाल जो टाइम है वो भी हो गया है दिवाली पर दिए जलाने वाला एकदम। तो भाई इसको सेटअप करने के बाद में ये बन गई है एक लालटेन, और आप लोग देख सकते हो कि इसके अंदर असली सच्ची मुच्ची की जो आग है वो जल रही है, पूरे लालटेन की शेप में है। क्या मस्त कलर भी यहाँ पे मिलता है हमको। दोस्तों यहाँ पर हमारे पास में कोल्ड पायरो गन और ऐसे चार पीसेस हमारे पास में हैं। ये जो गन है इसके अंदर पायरो लगता है, जो कि यहाँ पर रखा हुआ है इसका डब्बा, एक डब्बा इसका यहाँ पर भी रखा हुआ है। ये जो पायरोज आते हैं इसमें मैं आपको दिखाता हूँ क्या चीज़ आती है। कुछ इस तरीके का पैकेट आता है जिसमें बेस्ट लिखा हुआ है जिसके ऊपर, और इसके अंदर ऐसे आपको मिलेंगे 6 पीसेस एक डब्बे के अंदर, और ये लगता है गन में, और चला के दिखाते हैं आपको। तो गाइस इसमें दोनों में पायरो सेट हो चुका है, दबाते हैं बटन और देखते हैं क्या होता है। ऐसे रखता हूं इसको सेफली, 3 2 1 गो। भाई साहब यहां पर दोनों जो गन्स हैं वो चल रही है। ज्यादा चला लेकिन जल्दी खत्म हो गया, ये वाला कम चल रहा है लेकिन गाइस अभी भी चल रहा है। क्या बात है, क्या बात है। देखो अनार चलता है इसके अंदर काफी देर तक, और अभी ये हो चुका है बंद। अब इसको दोबारा चलाने के लिए ऐसा दूसरा पायरो इसके अंदर डालना पड़ेगा। ये है भाई चार्जिंग टच लैंप, और इसके अंदर एक ऐसा लैंप हमको देखने को मिलता है जिसमें यूएसबी केबल भी लगती है। अरे भाई इसके अंदर तो कोई लाइट ही नहीं दिख रही, अब इसमें क्या जलेगा देखते हैं। दोस्तों ये है लेजर प्रोजेक्टर, और ऐसे भी हमारे पास में 4 पीसेस हैं। इसके अंदर 3 मोड्स हैं, इसको चालू करने के लिए पीछे एक बटन है। और गाइज यहाँ पर आप देख सकते हो लेजर का जो पैटर्न है वो किस तरीके के यहाँ पर ये जो है बनाता है। अगर इसको मैं दीवार पे डालता हूँ तो आप लोग देख सकते हो कि दीवार पर ये जो है कैसा पैटर्न बनाता रहता है। इसको कहीं भी डालो ये कितने भी बड़े एरिया को जो है कवर कर सकता है। और यहाँ पर आप देख सकते हो कि वो वाला जो प्रोजेक्टर है वो मेरे ऊपर फिलहाल लाइट डाल रहा है वहाँ से इतना दूर से, और ये जो काफ़ी शानदार लगता है। ये नई चीज़ नहीं है, आपने देखी होगी मार्केट में, लेकिन गाइस सही बताऊं तो मैंने आज तक इसको खरीदा नहीं कभी, मैंने भी देखा ही था, पहली बार हमने इस चीज़ को खरीदा है और ये मस्त लगता है। तो भाई इसको हमने यूएसबी में लगा दिया है, अब दिखाते हैं इसका कमाल। मैंने इसको रखा, लाइट्स ऑफ करो, और यहाँ पर देखो ये कितना मस्त सा पैटर्न दे रहा है। जैसे मैं इसको ऊपर से टच करता हूँ गाइस इसका जो कलर है वो बदल जाता है, फिर से टच करता है फिर बदल जाता है, बस सिंपली टच करना है और जो कलर है वो यहाँ पर बदल जाता है। और अलग अलग मोड्स भी इसमें आते हैं, ये देखो गाइस ग्रीन हो गया, ये ब्लू हो गया, यहाँ पर ये येलो हो गया। लाइट जला दो एक बार, देखो गाइस जस्ट इसको टच करना है और जो पूरा कलर है वो बदल जाता है। चाहे एक उंगली से टच कर लो, चाहे पूरे हाथ से कर लो, चाहे गाइस जीभ से कर लो, किसी भी चीज़ से इसको टच कर लो, चीज़ सही है। लेकिन
अगर इसको यूएसबी हटा देता हूँ ना तो भी ये जलता रहता है देखो, इसका मतलब ये चार्ज भी हो जाता है देखो। और इसका जो रिमोट है ना गाइज, उससे भी हम इसके जो कलर्स है उसको चेंज कर सकते हैं। जैसे अगर ब्लू करना है तो ये ब्लू हो गया, अगर मुझे रेड करना है रेड हो गया, ग्रीन करना है ये ग्रीन हो गया, और अगर इसको बंद करना है गाइज तो इसको ऐसे टच करे रखो, ये बंद हो गया। लॉन्ग प्रेस करना पड़ेगा, लॉन्ग टच करना पड़ेगा, बंद हो जाएगा। और गाइज जितना मज़ा इसको टच करके चालू करने में आता है उससे कहीं ज़्यादा मज़ा नीचे जो लाइक का बटन है उसको टच करने में ऐसा आता है। जल्दी टच कर दो लाइक का बटन और चैनल के ऊपर जो सब्सक्राइब का बटन जो कि है ऐसा नहीं, ऐसा नहीं गाइज, ऐसा रेड कलर वाला, उसको ऐसे टच करने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है, जल्दी कर दो गाइज। दोस्तों अब आपको दिखाएंगे ये दीपमाला जो कि इस वीडियो की जान है। एक्चुअली में बहुत ज़्यादा मज़ेदार चीज़ है, मैंने तो पहली बार देखी है लेकिन अभी नहीं दिखाएंगे, थोड़ा सा वेट आपको और करना पड़ेगा। एक दो मज़ेदार चीज़ें हमारे पास में और बची हैं, जैसे कि ये लैम्प जो कि एक ग्लोब की शेप में यहाँ पर। और गाइज ओ भाई जैसे ही मैंने इसको पावर में लगाया गाइज देखो एक बार क्या बात है, लुक एट इट गाइज, मस्त 3D वाला फील आ रहा है इसमें, अलग ही एकदम। कैमरा में आई डोंट नो कितना अच्छे से दिख रहा है नहीं दिख रहा है, लेकिन भाई साहब फील इसमें जबरदस्त आ रहा है। और दोस्तों इसका जो कलर है उसको चेंज करने के लिए ऐसे मारना पड़ता है, तो ये एक झटके के लिए देखो सिर्फ एक झटके के लिए ब्लू होता है, पता नहीं क्यों हो रहा है लेकिन ऐसे ब्लू होता है। अगर इसको गिराएंगे तो भी भाई ये जो है ब्लू हो जाता है। और इससे अगली जो चीज है भाई वो दिवाली की तो नहीं थी लेकिन चीज बड़ी मस्त है, तो हमने जैसे आपको दिखा देता है यहाँ पर इस सॉल्यूशन में इसको डुबाना है और बटन दबाना है। और आप लोग देखो गाइस ये जो है एक झटके में कितने सारे बबल ऑटोमेटिकली बनाती है। इसके अंदर फैन है, ये देखो गाइस सभी को हैप्पी दिवाली विद बबल्स। दोस्तों ये है सबसे बड़ी लड़ी जो की है 90 मीटर की, देखो ये सिंगल लड़ी है भाई और पतला वाला तार है और कितनी बड़ी है तो आप समझ सकते हो 90 मीटर इसकी लंबाई है। तो गाइस ये हो गई ये, और अब आते हैं सबसे मजेदार चीज पर जो कि है दीपमाला। और इसको मैं गाइस साइड में ही लेके आता हूं ताकि आपको दिखा सके बढ़िया से, इधर आ जाओ। दोस्तों ये चीज अपने आप में बहुत ही मजेदार है, दीपमाला लिखा हुआ है अंदर जो है इसमें मिलती है गाइस एक दीपमाला जो कि है एक लड़ी बेसिकली। सी हम जो है दिवाली पर जो लाइट्स लगाते हैं तो ये वही लाइट्स हैं ऐसे, तो इसमें ये जो है ये बल्ब की शेप में है लेकिन ये मज़ा नहीं है। देखना आप लोग भाई इसको देख करके आपको भी मज़ा आ जाएगा तगड़ा वाला। इसको बिजली में जोड़ते हैं पहले। गाइस आपको क्या लगता है कैसे बजेगा? अब दबाते हैं बटन को, इसका जो रिमोट है, और देखते हैं क्या बजता है। 3, 2, 1 गो। ये है गाइस, बहुत तेज आवाज आती है, बंद करता हूँ। इसमें भाई लिटरली ऐसा लगता है कि पटाखे चल रहे हैं, बहुत तेज आवाज आती है। इसमें आर्क्स बनते हैं बिजली के। अगर इस ढक्कन को हटा दूं, इसमें आप ध्यान से देखना, मैंने दोनों ढक्कन जो हटा दिए, चलो एक एक में देख लेना गाइस, ऑन कर रहा हूँ इसको। ये देखो लिटरली इतनी तेज आवाज आती है जैसे मुर्गा छाप पटाखा फटता है ना, जैसे जो लड़ी है वो यहाँ पर चल रही हो कंटिन्यूअसली। कानों में दर्द हो गया हमारे, ये देखो और यहाँ पर लड़ियाँ जो जल रही हैं वो भी जल ही रही हैं। कोई ये सोचेगा कि हमने क्लोज कर दिया मैंने अभी इसको, कोई ये सोचेगा कि हमने इसको जो है हमने यहाँ पर जो है कोई बहुत बड़ी लड़ी जला दी है, लेकिन असलियत ये है कि यही एक चीज़ जलाई है। ये आपको मिल जाएगी 2500 से 3000 रुपये की। तो गाइस इतनी महंगी अकेली चीज़ है लेकिन मज़ा भी है। अच्छी बात है कि कोई पटाखा नहीं जलता, कोई इसमें धुआं नहीं निकलता, कोई CO2 कोई पोल्यूशन नहीं होता क्योंकि ये जो बिजली चलती है। और जितना देर चलाना चलाओ, फुल पटाखे बजाई गाइस, देखो चलाते रहो गाइस आर्क। अब ये 100 बातों की एक बात है, एक्चुअली में ये सब जो सामान है ना, मुझे नहीं पता कि ये कहाँ का सामान है लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इसमें काफ़ी चीज़ें चाइनीज हैं, लेकिन आजकल इंडिया में भी ये चीज़ें बनने लगी हैं, इसमें कुछ चीज़ें मेड इन इंडिया भी हैं, तो वो देखकर ये बहुत खुशी भी होती है। लेकिन गाइस इस बात का दुख भी है कि अभी भी यार आज के समय में जो हमारा देश इतना आगे है फिर भी हमको इतनी सारी चीज़ें जो है चाइना से खरीदनी पड़ती हैं और पूरा देश उनको यूज़ करता है। तो मैं आप सभी से भी रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग भी कोशिश कीजिए कि इंडियन जो मटेरियल्स हैं उनको ज़्यादा यूज़ किया जाए। हमारा काम था आपको नई नई चीज़ें दिखाना, तो हम तो भाई हमको जो कुछ मिला सब कुछ ही ले आए।
लेकिन आप लोग दिवाली पर ये सारी चीजें लगा सकते हैं, लेकिन अगर आप मिट्टी के दिए भी यूज करते हैं जो कि आप अपने लोकल में खरीदते हैं, जिनमें आप तेल डालते हैं सरसों का, उनको जलाते हैं, तो वो सबसे नेचुरल भी होता है, सबसे ज़्यादा अच्छा भी लगता है, और साथ ही साथ में किसी को आप रोज़गार भी देते हैं। आप जिसे दिया खरीदते हैं उसका घर भी चलता है आपके उस पैसे से। तो आप इस चीज़ को भी अगर जलाते हैं, दिया भी जलाते हैं मिट्टी वाला, तो उसमें भी उतनी ही खुशी है। लेकिन ये जो वीडियो है गाइस, ये सारी चीज़ जो है वो देख करके मुझे उम्मीद है कि आपको मज़ा बहुत सारा आ गया होगा। तो अब इस वीडियो के ऊपर लाइक का जो बटन है गाइस, वो दबाना जरूर से बनता है। चैनल को सब्सक्राइब कर लो ऐसी मजेदार वीडियोस के लिए। सभी को हैप्पी दिवाली, बहुत सारी विशेस गाइस सभी को, और सभी को बहुत बहुत मेरी तरफ से शुभकामनाएं दिवाली की। बहुत अच्छे से दिवाली मनाएगा, सब लोग जो है सेफ रहिएगा। आई होप कि किसी के साथ में कोई गलत बात ना हो, पटाखों से सब लोग सावधान रहिएगा। आज के लिए इतना ही, चलो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।